अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद सईदा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अवन स्टीम चरगा, जिसके साथ हम बनाएंगे खट्टी खट्टी दही में मिक्स हुई हुई सब्जियाँ। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कप दही, एक खुली प्याली में हम डाल लेंगे। जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, चिकन तंदूरी मसाला 3 टेबल स्पून, मीरी सुर्ख मिर्च 2 टेबल स्पून, अदरक और लहसुन का पाउडर 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, एक कड़ी पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा हम बाद में डालेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मिक्स हर्ब 1 टीस्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अभी डालेंगे, 1 टेबल स्पून बाद में डालेंगे। अब इन सब मसालों को दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम एक पूरा लेमन लेकर उसका जूस निकालेंगे और वो इसमें मिक्स कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह इसको मिक्स कीजिए। ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम चिकन लेकर आते हैं। एक खुली सी ट्रे ले लीजिए, उसमें हम चिकन डालेंगे और उसको सबसे पहले हम कट्स लगा लेंगे। कट्स आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। सब लग चुके हैं। अब इसमें हम वो जो पेस्ट बनाया था हमने योगर्ट का, वो हम डालते जाएंगे। जो कट्स लगाए थे पहले हम उनको भरेंगे। अच्छी तरह आपने पेस्ट को इसमें मिक्स करना है, ऐसे। जितना अच्छा पेस्ट लगेगा उतने ही अच्छा जायका आएगा। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। कम ज़्यादा आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। हमने बहुत ही मज़े मज़े के इसमें फ्लेवर दिए हैं, लेमन, दही और चाट मसाला और तंदूरी मसाला, ये सब मिलकर इसका जायका और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। हम इसको रेस्ट देंगे 30 मिनट का, ताकि जितने मसाले हैं वो इसके अंदर रच बस जाए। जिस ट्रे में हमने बेक करना है, अब जो दही से जो हमने पेस्ट बनाया था वो सारा हम इस ट्रे में डाल देंगे। वेजिटेबल काट लेते हैं और वो भी हमने इसमें एक एक करके डालते जाना है। सब्जियां बिल्कुल आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। मैंने ली है 1 अदद प्याज, ये बड़े साइज का प्याज है, शिमला मिर्च 2 अदद, 2 डिफरेंट कलर की ली हैं, तोरी 1 अदद, छोटे साइज के टमाटर 2 से 4। अब सारी सब्जियां हम एक ही दफा डाल लेते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, कड़ी पत्ता और ऑयल। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कीजिए। चिकन के 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब उसको लेकर आते हैं और इस ग्रिल के ऊपर रखते हैं। ग्रिल को सेट कर दीजिए और चिकन को जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं आप उसको फिक्स कीजिए इस तरह, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, जिसमें हमने दही का पेस्ट बनाया था उसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे। पानी की मिकदार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वेजिटेबल सालन की तरह चाहिए तो आप 1 कप डालिए, आराम से आपका जूसी सालन सा तैयार हो जाएगा वेजिटेबल्स का। मुझे ये थोड़ी जूसी और ड्राई चाहिए तो इसलिए मैं 1/2 कप डाल रही हूँ। अब हम बटर पेपर ले लेंगे, पहले बटर पेपर से कवर करेंगे ताकि हमारे मसाले ख़राब ना हो जाए। अब किचन फॉयल लूँगी और इसको ऊपर से अच्छी तरह पैक कर दूँगी। ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है 180 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, और उसके बाद आपने इसको 1 घंटे तक पकाना है। ये अच्छी तरह पकेगा, अगर आपको और रखना हो तो रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी डिश तैयार हो चुकी है। चिकन बिल्कुल पक चुका है और वेजिटेबल्स भी बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी तैयार हो चुकी हैं। कलर भी बहुत प्यारा आया है, ये देखिए। ये चरगा और वेजिटेबल्स तो बहुत ही टेस्टी और खट्टी खट्टी सी लग रही हैं। चलिए ट्राई करते हैं। ये देखिए लेग कितनी आसानी से इससे अलग हो रही है।
मज़ेदार, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही यूनिक सा। लेमन और दही का जो टेस्ट इसके अंदर आ रहा है बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद है आपको ये स्टीम अवन चरगा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। जाते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चरगा कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।